रहा हूँ बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मसला यहाँ पर यह है कि ये फौजी ऑपरेशन का जो स्वात और बुनेर में कामयाब फौजी ऑपरेशन हुए थे, आपको याद है 2009 में, और वहां से मिलिटेंट्स को उस इलाके से खाली करवा दिया गया था। खैर वो और बात है कि लोगों को इसमें बहुत तकालीफ भी हुई थी, IDPs कोई लाखों के करीब यहाँ पूरे मुल्क भर में आ गए थे, मगर उनका कहना यह है, शायद जो ANP के सेनेटर हैं, कि जो भी ऑपरेशन हो वो कामयाब और फुल प्रूफ हो, उसमें ये क्रैक्स और ये उसमें ये लीकेजेस ना हो कि एक तरफ जो है तो वो जो SSP पुलिस है उनको भी मारा जा रहा है, साथ में और लोगों को भी मारा जा रहा है, साथ में सिविलियंस की भी उसी तरह, और भत्ता अगरचे कि कम हुआ है लेकिन जारी है, टारगेट किलिंग्स कम हो गई हैं मगर जारी हैं, खत्म नहीं हुई। तो मसला आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त दिए बगैर जो है ये नहीं मामला तय होगा। और इसके साथ साथ जो हम बारहा बात करते रहे हैं कि आपको इसमें तमाम सियासी फोर्सेस को साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वही आपको एक कामयाब ऑपरेशन की जमानत दे सकते हैं, मगर ऑपरेशन बारहा इस बात को बहुत वाजे करना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, एक टूल है जिसकी मदद से आप एक बहुत ही गंभीर मसले का थोड़ा सा हल की तरफ जा रहे हैं। आपको इदारे बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको पुलिस भर्ती करनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको क्राइम फाइटिंग के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। टेररिज्म देखिए बेनिश, बात यह है कि इसके ऊपर तो हमें पूरा एक अलग शो किया जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं, चाहे वो अमरीका में लॉस एंजलिस हो, शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, जहां पर क्रिमिनल गैंग्स को फाइट करके रियासत ने उनको मुसख़िर किया, इटली हो वहां पर भी ऐसा हुआ, हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में कलकत्ता में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड जो है उसकी पिटाई की गई पुलिस के हाथों हुई है, और उसके लिए आपको पुलिस को एम्पावर करना पड़ता है, आपको नफरी बढ़ानी पड़ती है, आपको जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट दीगर इक्विपमेंट लाना, और सबसे अहम बात है ट्रेनिंग आनी पड़ती है। यहाँ पर क्या आलम है कि वही पुलिस वाला जो है वो एक बार अफसर के घर ड्यूटी भी देगा, VIP रूट पे भी लगेगा, वही जाके दहशतगर्दों का सामना भी करेगा, वही क्राइम को भी फाइट करेगा, आपको मुख्तलिफ डिविजन बनानी होती है, जो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म फोर्स होती है उसकी खास स्किल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के लिए अलग होती है, म्यूनिसिपल कामों के लिए के जाके जो वो इतवार बाजार को रेगुलेट करना है, ट्रैफिक कांस्टेबल्स ने कहाँ खड़े होना है उसकी अलग के काबिल नहीं रहा। ये जुमला, ये स्टेटमेंट जो शहर की तौहीन है, नहीं कराची के बारे में तौहीन। देखिए बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, कराची एक बहुत ही जिसे अंग्रेजी में डायनामिक कहा जाता है जगह है, और उसकी सबसे बड़ी ये जो इतने माफियाज और भत्ते वहां पे मौजूद है उसकी वो यही वजह है कि वहां से पैसा जनरेट हो रहा है, रोजगार है, कारोबार है, इंडस्ट्री है। तो कराची, और आपने तो आज दिल मोह लिए होंगे अपने कराची के जो हमारे व्यूअर्स हैं, मगर ये मशहरी साहब ने जो बयान दिया था, देखिए ये तो एक सियासी बयान था, और उनका कहना ये था कि भाई वो इसलिए रहने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके तहीं वहां पे जो MQM का एक मौकफ ये है कि आप हर वक्त MQM को बोलते रहते हैं मगर वहां पे तालिबानाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, उसका कल सबूत चौधरी असलम की शहादत जो है उससे कबल जो हमने वो बात की पहाड़ी वाले बाबा की कि उनकी जो श्राइन के ऊपर 6 लोगों को ज़िबा कर दिया गया, दीगर एक वो आमिल साहब थे उनका सर काट के पोल पे लगा दिया गया, कई तरह के इस तरह के वाकयात हमें देखने में आए हैं, मगर इस वक्त वाकया यह है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये उनका अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि ऑपरेशन जहां जारी है उसके साथ साथ वो जो इदारों की मजबूती और जो इदारों के अंदर उन्होंने तब्दीलियां करनी है उससे वो बिल्कुल ताखीर ना करें।